रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। ज्ञानवापी को लेकर भी ऐसा ऑफर आ रहा है तो क्या उसे बैठ के बात हो सकती है? हर मसले पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। अपने फिर से आती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा। 24 आ गई है। मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, देश के हजारों जर्नलिस्ट, हजारों लीडर्स, हजारों ओपिनियन मेकर्स, वो सब ये कह रहे हैं जब संविधान के होते हुए संविधान की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है। कल ही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में। उन्होंने क्या कहा है? असंविधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए इसके खिलाफ सरकार कानून बना रही है। तो जब संविधान ही बदल जाएगा तब तो फिर आप किसी थाने में अपनी शिकायत भी ले जाकर नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान बदल जाएगा ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के हजारों बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, ओपिनियन मेकर्स, वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे ये लोग तो फिर तो आपकी कोई शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जाएगी। पूरे मुल्क में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि अगर मुल्क में नफरत और खौफ, डर की फिजा, कुछ लोग नफरत करें, कुछ लोग डरें, कुछ लोग डराएं, कुछ लोग डरें, इस तरह अगर माहौल आगे बढ़ता रहा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं मुल्क तरक्की कर सकता। देश में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट का इरादा किया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सब वापस ले गए। और बाहर के विदेशी ताजिर तो यहाँ पैसा क्या लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हमारे मुल्क में, मुल्क के अंदर के बड़े बड़े व्यापारी, कॉर्पोरेट हाउसेस अपना माल लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी गया मुल्क की बदकिस्मती है। और उसकी वजह यह है कि नफरत और खौफ का माहौल रहेगा तो कोई भी अपनी पूंजी इस मुल्क में नहीं लगाएगा, जहाँ से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है मुल्क की। तो हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल आगे न बढ़ने पाए, गलतफहमियाँ दूर हों, आपस में कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, डायरेक्ट वार्ता हो, जो गलतियाँ हैं वो दूर की जाएँ, जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर की जाएँ। कि किसान जो सारे मुल्क को खिलाते हैं, अगर वही किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, भारत बंद का नारा दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए एक आवाज़ लगा रहा हूँ कि भाई आपस में मिलजुल कर बातचीत करके मसाइल को हल करो। मुस्लिम कम्युनिटी में एक तादाद ऐसी ज़रूर है जिसके अंदर इस वक्त एक मायूसी, एक निराशा, एक खौफ का माहौल है, लेकिन जब उनको कुछ तारीख के हवाले से बातें बताई जाती हैं कि कौमों पर ऐसे हालात आते ही हैं, एक इंसान की ज़िंदगी भी हमेशा एक सी नहीं गुजरती, वो कभी बीमार होता है, कभी तंदुरुस्त होता है, कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है, इसी तरह कौमों पर भी हालात आते हैं। तो ये फेज़ है जो गुजर जाएगा, इस पर न तो मायूस हो ना गुस्से में आए, बातचीत करें। वो भी प्रोपेगेंडा का शिकार है, हम भी प्रोपेगेंडा का शिकार हैं, हम एक दूसरे को तीसरे के माध्यम से समझने की गलती छोड़ दें, हम डायरेक्ट एक दूसरे से वार्तालाप करें, बातचीत करें, तो फौरन पता लगेगा कि जो कुछ कहा गया था हमसे आपके बारे में और आपसे हमारे बारे में, वो अक्सर झूठ था। कटे कटे रहेंगे अगर हम बिल्कुल मस्जिद मदरसे में अलग, समाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मस्जिद वाले मंदिर वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, मंदिर वाले मस्जिद वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये हमारे देश का कल्चर नहीं था। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।